डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर, जब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर की, तो व्हाट डज दैट मीन? DSM-5 जो अपना डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देता है वो उसको मज़ीद एक्सप्लेन करता है थ्रू डायग्नोस्टिक फीचर इन ऑर्डर टू गिव यू द क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, ठीक है। इसी तरह जब हम कंडक्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो डिफरेंट क्राइटेरियाज उसने दिए हुए हैं उसके बारे में वो उसको मज़ीद फर्दर एक्सप्लेन करता है, उसमें से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और अंडरस्टैंड करने वाली हैं। नंबर वन जो कि क्राइटेरियन ए है आपका, जिसमें हम बात करते हैं कि जो बच्चा है वो बुली करता है, थ्रेट करता है या इंटीमिडेटिंग बिहेवियर जो है वो एग्जिबिट करता है। अब वो ये किन किन तरीकों से कर सकता है? एक तो डेफिनेटली वो डायरेक्टली भी कर सकता है, एक शख्स उसके सामने खड़ा है वो उसको बुली भी कर सकता है, वो उसे हिट भी कर सकता है, वो उसे थ्रेट भी कर सकता है, उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है। इसके अलावा वो बिकॉज़ ये अब ऐसा इरा है जिसके अंदर मोबाइल यूज़ हो रहे हैं, जिसके अंदर सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है, तो जो साइबर साइट्स हैं वो उनको यूज़ कर सकता है, वो टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू जो है वो थ्रेट कर सकता है, वो बुली कर सकता है, वो वेब पेज को यूज़ कर सकता है। तो वो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो जब बिहेवियर शो करेगा जिसमें साइबर बुलिंग जो है वो आ जाती है, तो इसको हम कहेंगे कि ये बिहेवियर जो है ये कंडक्ट डिसऑर्डर से रिलेटेड है, बिकॉज इसमें वायलेशन ऑफ अदर पीपल राइट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरियन A2 की वो बात करता है जिसके अंदर वो कहता है कि फ्रीक्वेंट फिजिकल फाइट्स में जो है वो इंडल्ज होता है, ठीक है, यानी फिजिकली दूसरे शख्स को हिट करना। इसी तरह जिस वक्त वो हिटिंग करेगा तो जब उसने किसी को सीरियस हार्म जो है वो पहुंचाना है तो उसके लिए वो किसी ना किसी किस्म का वेपन यूज़ कर सकेगा, जो कि क्राइटेरियन A3 है, जिसके अंदर नाइफ का इस्तेमाल हो सकता है, गन का हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा, कहते हैं जी कि बच्चे आपस में लड़ पड़े और एक ने दूसरे के बैट से हिट कर दिया, या उसने उठा के वट्टा मार दिया, या उसने उठा के ईंट मार दी। तो ये जो इस किस्म के बिहेवियर होते हैं ये बेसिकली कंडक्ट डिसऑर्डर के अंडर आते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग कि हम ये कहें कि जी ये बिहेवियर जो है ये स्पर ऑफ द मोमेंट में हुआ और वो हीट अप ऐसे हो गया था और उस बच्चे ने इस तरह का एक्ट कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कोई बच्चा इस किस्म का बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है तो दैट रिक्वायर्ड अटेंशन। देन फिजिकली क्रूअल होते हैं टूवर्ड पीपल, डेफिनेटली लोगों को हर्ट करते हैं, लोगों को डैमेज करते हैं, जिस तरह चलते चलते एकदम से किसी को गिरा देना, धक्का दे देना, इस किस्म की जो फिजिकल क्रुएलिटी है वो टूवर्ड्स पीपल जो हैं ये शो करते हैं। इसी तरह एनिमल की तरफ भी ये क्रुएलिटी जो है वो शो की जाती है बाय डैमेजिंग देम, बाय हर्टिंग देम, ठीक है। जैसे जानवरों को पानी ना देना, उनको भूखा रखना, या किसी और तरह से उनको कोई पत्थर के थ्रू मारना, ठीक है, इस किस्म का जो भी बिहेवियर है वो क्रुएलिटी शो करते हैं टूवर्ड्स एनिमल। इसी तरह पर्स स्नैचिंग जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होती है इस तरह के बिहेवियर में, ये लोग रॉबरी कर लेते हैं एकदम से। ये मोबाइल स्नैचिंग की भी जितनी भी एक्टिविटीज़ आप लोग देखते हैं तो ये जो सारी चीज़ है ये फॉल करती है अंडर द हेडिंग ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। इसी तरह फोर्सफुली सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो किसी को कहना या उसमें इंडल्ज करना, जिसमें जो रेप केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो आ जाते हैं। इसी तरह जो फिज़िकल वायलेंस है इसमें हम जिस तरह रेप, असॉल्ट और बहुत ही रेयर केसेस में समटाइम होमिसाइड एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो भी देखने में आती हैं, यानी किसी फैमिली के मेंबर को मर्डर कर देना, इस किस्म के जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखने में आती हैं। इसी तरह दूसरे लोगों की प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करना फायर सेटिंग के थ्रू, बट इंटेंशनली, वो इम्पल्सिव नहीं होगी। अगर वो इम्पल्सिव होगी तो फिर वो कंडक्ट डिसऑर्डर में नहीं फॉल करेगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो डेलिब्रेटली ये एक्ट करेंगे। इसी तरह वो डेलिब्रेटली लोगों की प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करेंगे। मिसाल के तौर पर जिस तरह कार्स जो हैं उनकी विंडोज़ को तोड़ देना, ठीक है, इसी तरह जो स्कूल की प्रॉपर्टी है उसको ख़राब कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, इस तरह की जो बिहेवियर हैं वो एग्जिबिट करेंगे। इसी तरह किसी के घर के अंदर
ज़बरदस्ती घुस जाना, उसकी गाड़ी को या उसके घर को नुकसान पहुंचाना या उनको धोखे से या चोरी कर लेना, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो दूसरे शख्स को धोखा दे। धोखा देने का क्या मतलब है कि द पर्सन इज़ ट्राई टू टॉक इन द वे कि दूसरा शख्स कन्विंस हो जाए और वो उस दूसरे शख्स का नुकसान करके और वो चीज़ उससे ले ले। तो इस तरह डिसीटफुली या वो सीधा स्ट्रेट अवे जाए और गाड़ी को चोरी कर ले, ये दोनों चीज़ें जो हैं इन लोगों के अंदर मौजूद होती हैं। इसी तरह ये लोगों से डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स लेने के लिए अपने आप को एज अ गुड पोर्ट्रे करते हैं, या ये इस किस्म की बातें करते हैं कि जिससे दूसरे शख्स का नुकसान हो जाए और इनका फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो ये इस किस्म का जो बिहेवियर है वो एग्जिबिट करते हैं। इसी तरह बहुत सी चीज़ों को ये इस तरह भी चोरी करते हैं, जिस तरह शॉप लिफ्टिंग कर ली, यानी वो कोई बहुत बड़ा कॉग्निटिवली प्लान करके चोरी नहीं करते, बल्कि बस सिंपल गए शॉप लिफ्टिंग कर ली, फॉर्जरी कर ली, किसी डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर ली, किसी के साथ पैसों का फ्रॉड कर लिया। तो इस किस्म की चीज़ें भी जो हैं वो क्राइटेरिया A12 जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है। सो व्हेन एवर यू नीड टू बी आइडेंटिफाई द चाइल्ड विद हैविंग अ कंडक्ट डिसऑर्डर, तो आपको इन सारे क्राइटेरियाज की एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट दे एक्चुअली मीन।